जर्मनी में जब मैं आपको जब वीडियोस दिखाता हूँ यहाँ पर बना बना के, लोग आते हैं बहुत सारे लोग कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक्चुअली में रियलिटी इनिशियल डेज की बहुत अलग होती है। बहुत तकलीफें होती है जब आप आते हो उस देश में अकेले, सब कुछ करना पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना प्रॉब्लम है, यहाँ इतने सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ज़रा लोगों को बताओ कि वॉट इज़ द इनिशियल हिट पीपल गेट। Housing problem is really big here, yeah. But not just the house, but you need to find a house which will let you do the unmeldung as well. City so, registration. Yeah, and after that only your documentation work starts. So you cannot just walk into the bank and get your bank account opened. You need to have an appointment, need to get your city registration done, and then only you'll get the blocked amount money. City registration, ये paper की ऊपर इतनी dependency है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। कोई भी इस देश में कोई भी contract में घुसना होगा, ये पीस ऑफ पेपर आपको चाहिए ही चाहिए। आप जहाँ पर भी रह रहे हो वो घर का जो एड्रेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका जो दरवाज़ा है बिल्डिंग का उसके ऊपर आपके बेल पे नाम लिखा होना चाहिए, आपके मेल बॉक्स पे नाम लिखा होना चाहिए। ये सब तभी हो सकता है जब आपके पास एक घर है और फिर वो घर एक सिटी रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड है। ये सब चक्करों में आपका सबसे ज़्यादा पता है कैश बर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है। फोरेक्स कार्ड में देख लेना कम से कम 1500 से, और हाथ में कैश 500 यूरो लेके आना लगभग। वर्स्ट केस सिचुएशन के लिए मैं कह रहा हूँ 2000 यूरो तो यार लेके आना अपने पास, ताकि आपकी एटलीस्ट इनिशियल 3-4 महीने आराम से कट जाए और उसी 3-4 महीने में घर भी मिल जाए और इनिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी हो जाए। वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।